हेलो गाइस, मैं उज्ज्वल सेगर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल उज्ज्वल सेगर पे। और आप सभी लोगों को मेरे इस वीडियो में किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं इसका अंदाजा तो आप सभी लोगों को लग ही गया होगा मेरे वीडियो के थंबनेल और टाइटल देख के। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। और यह वीडियो मैंने वहाँ पे घूमने के पर्पज़ से गया था, तो वहाँ पे देखा कि मतलब किस तरह का माहौल बन गया है। तो चलिए उस वीडियो में हम सब देखते हैं आखिर वहाँ है क्या। ये जो दोस्तों कचरा का ढेर देख रहे हैं, यह कोई आम नदी के किनारे नहीं फेंका हुआ है। यह नदी राष्ट्रीय नदी गंगा है, जो 2525 किलोमीटर लंबी दूरी तय करती है। यह नदी जन जन की भावनात्मक आस्था का भी आधार है। इस नदी की सफाई के लिए कई बार सरकार की ओर से पहल की जाती है, लेकिन कोई भी संतोषजनक स्थिति तक नहीं पहुँच पाया, क्योंकि सरकार गंगा नदी को साफ करना चाहती है, लेकिन हम लोग हैं कि इस नदी में नहाकर अपने पाप धोने की जगह देख सकते हैं क्या क्या चीज़ हम सब फेंक के आते हैं। तो दोस्तों, जब तक हम लोग अपने सोच को बदलेंगे नहीं, हम युवा लोग हैं, अपने घर में इस चीज़ के बारे जरूर बताएं कि गंगा में जो कचरा है, घर का सामान है, पूजा का सामान रहे या फिर कोई भी सामान रहे, उसे गंगा के साइड में फेंका ना करें, गंगा में फेंका ना करें, क्योंकि यहाँ पे फेंकने से प्रदूषित गंगा होती है। और हम अपने घर के कचरे तो साफ जरूर करते हैं, लेकिन प्रदूषित हो जाती है। देख सकते हैं क्या एकदम इतना मतलब कचरा फैला हुआ है, लग रहा है जैसे कौन साफ करने आएगा। आप ही बताइए, हम क्या बोले, आप ही बताइए कौन साफ करने आएगा। हमेशा गवर्नमेंट अपने तरफ से इस पे तो ध्यान देगी नहीं। ज़रूरत है हम लोगों को कि हम ही लोग इस पे ध्यान दें और आपस में मतलब अपना सोच को डेवलप करें, क्योंकि गंगा जो है दोस्तों, वो गंगा नदी विलुप्त होती जा रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। जो जितना बड़ा भी देख रहे हैं उससे कई गुना बड़ा होता था पहले, लेकिन अभी गंगा जी है जो कट चुके हैं, धीरे धीरे कम हो रहे हैं गंगा नदी। तो दोस्तों, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि इस पे आप सभी कोई ध्यान दें, अपने घरों में अपने इस टॉपिक पे जोर बात करें कि हाँ, गंगा नदी में विसर्जन नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम युवा लोग अपने सोच को डेवलप नहीं करेंगे, इस उन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे, तब तक हमेशा गवर्नमेंट ही इस उन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देती रहेगी दोस्तों। क्योंकि ज़रूरत है हम सभी लोगों को अपने देश के लिए आगे बढ़ने की, और इसमें छोटी छोटी हमेशा कोशिश करिए कि अपने तरफ से योगदान करें। तो इस तरह का बात हमेशा अपने दिमाग में रखें कि ये कचरा जो है, कचरा फैलाए नहीं। और आप सभी लोगों को मैं हमेशा एक चीज़ बताता हूँ कि हम लोग हैं तभी देश है, क्योंकि देश में हमेशा सबसे ज़्यादा भारत में युवा हैं। तो भाई, आप सभी का देश है तो यार देख सकते हैं, हमेशा मैं दिखाता हूँ किस तरह का माहौल है। यार क्या बताएं आप सभी लोगों को, आप सब खुद सोच सकते हैं मैं इस वीडियो में क्या बोलना चाहता हूँ। मैं बहुत सी बातें को खुल के रखूँगा नहीं। इधर मेरा देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस घाट है, और दोस्तों ये कोई मतलब यहाँ पर एक पोस्टर है दोस्तों, ये पोस्टर को मैं फ़ोटो खींचा हूँ, फ़ोटो आपको दे दूँगा, देख लीजिएगा। फिर गंगा के किनारे घिंचा हुआ है, लेकिन गंगा की सफाई के लिए ही है, लेकिन एक्चुअली में यहीं सबसे ज़्यादा कचरा मिल रहा है देखने के लिए। देख सकते हैं पूरा रोड में नगर पालिका की तरफ से भरा गया, रोड पे तो ठीक है, लेकिन उस साइड भी कचरा है। नीचे देख सकते हैं, नीचे में पूरा कचरा भरा हुआ है नीचे में। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में एक बात और आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं जल्द ही एक न्यू यूट्यूब चैनल खोलने वाला हूँ, और आप लोग उस पर सपोर्ट करिए। मैं ब्लॉगिंग, मोटो ब्लॉगिंग का एक यूट्यूब चैनल खोलने वाला हूँ, तो सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि आप सभी लोग हैं तभी हम भी हैं। तो प्लीज़ गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ हम सब। तब तक के लिए जय हिंद।